हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो लर्न पाइथन इन 3 डे चैलेंज में टॉप 8 पोजीशन पे आए हैं। एक्चुअली मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स के बारे में बताने वाला था, पर जो दो बच्चे आए हैं टॉप 10 में उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, इसलिए मैं टॉप 8 स्टूडेंट्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लर्न पाइथन इन 3 डे चैलेंज स्टार्ट किया था ये काफी सक्सेसफुल रहा, काफी स्टूडेंटों ने इस पे पार्टिसिपेट किया, इवन जो टेस्ट हमने दिया था उस टेस्ट को भी काफी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया और काफी सीरियसली अटेम्प्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फीडबैक आए कि सर इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ और हमें काफी पाइथन सीखने को मिला। तो ये पूरा का पूरा इसका बेनिफिट था और आगे भी मैं इस तरह के चैलेंज कराता रहूंगा। आगे जो है मैं SQLite पे चैलेंज कराने वाला हूं और ये सबसे बड़ी बात है कि ना मैंने कोई फी लिया, ना मैंने कोई सर्टिफिकेट दिया, ना मैंने कोई प्राइज दिया, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो है इसमें इंटरेस्ट लिए और पार्टिसिपेट किए। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट टॉप 8 पोजीशन में आए हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हरीश सिंह जो कि MCA के स्टूडेंट है और कानपुर से है। उसके बाद शाश्वत शर्मा जो कि BTech के स्टूडेंट हैं और कोटा राजस्थान से हैं, तो इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। उसके बाद सुगंधा वशिष्ठ जो कि BTech के स्टूडेंट है और बोकारो झारखंड से है। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वह है शिवकांत शर्मा जो कि HBTU कानपुर से MCA कर रहे हैं और कानपुर के हैं। उसके बाद फयाज खान MCA के स्टूडेंट है पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सचिन कुमार सिन्हा जो कि BSc IT कर रहे हैं और रांची के रहने वाले हैं। इनका फोटो मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि इन्होंने फोटो मुझे भेजा नहीं है। उसके बाद ललित सिरस्वा ये BCA के स्टूडेंट हैं और रहने वाले नवलगढ़ राजस्थान के। उसके बाद सुनील सैनी MCA के स्टूडेंट है और ये MCA कर रहे हैं JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर से। दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही जितने लोगों ने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आप करियर में काफी आगे बढ़े और इसी तरह अगर आप चैलेंज लेते रहेंगे और बिना किसी एक्सपेक्टेशन का आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर वो कहीं पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, कहीं C++ का कोर्स कर रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग उनके सर्टिफिकेट पे होता है और वो चाहते हैं कैसे भी ये सर्टिफिकेट मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के आप जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं वही आपके लिए सफिशियंट है। तो चलिए दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर करियर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।